वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत पार्ट वन, जो कि आपके सभी के सभी यूजी कोर्सेज में एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है। एसी सेमेस्टर वन और टू में कोर्स क्रेडिट है इसके बेटा आपके टू। और एज पर द UGCF 2022 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपका ये सिलेबस है। इसका पार्ट एक हम लोग पहले कर चुके हैं। सिलेबस का टैली कराने के लिए आपको मैंने पहले वीडियो शेयर कर दिया था। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे पार्ट दो, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा और संरचना। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें जीवों का समूह और उनका पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है हमने पिछले वीडियो में देख लिया था बेटा। जितनी भी हमारी सराउंडिंग में जितनी भी जिंदा या जान वाली या बेजान चीजें हैं, सभी की सभी मिलकर के हमारा पारिस्थितिकी तंत्र बनाती हैं। उनके साथ जो हमारे इंटरेक्शन होते हैं वो सारे के सारे मिलकर के इकोसिस्टम कहलाता है। मतलब हम सारे के सारे और हमारी क्रियाएं सब कुछ मिलाकर के इकोसिस्टम कहलाता है। ये एक जैविक समुदाय होता है जो एक दूसरे के साथ और उनके गैर जीवित पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाओं में शामिल होता है। यानी कि हम अपनी जो एक बायोटिक कंपोनेंट है, हम लोग जीवित प्राणी हैं, हम लोग जो हमारे आसपास जो बिना जान वाली चीज़ें हैं, जो अजैविक घटक हैं, उनके साथ जो क्रियाएं करते हैं, वो सब कुछ मिलकर के कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसके घटक क्या क्या होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के दो तरह के घटक माने जाते हैं। पहले तो उसके बाद बात की बात करेंगे। पहले तो हैं जैविक घटक, जिनको बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। इसमें सभी के सभी जीवित प्राणी जिनमें जान होती है, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी के सभी शामिल होते हैं जैव घटक। दूसरा होता है अजैविक घटक। इसमें पर्यावरण के गैर जीवित तत्व जैसे पानी, मिट्टी, हवा, धूप, तापमान, ये सब शामिल होते हैं। ठीक है बेटे। तो पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीव और अजीव घटक, निर्जीव घटक जो होते हैं, एक जटिल नेटवर्क में रूप में जुड़े हुए होते हैं और ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्रण के माध्यम से हमारे बीच में एनर्जी का फ्लो होता है, साथ में न्यूट्रिशन का एक रिसाइक्लेशन होता है, रिसाइक्लिंग होती है, उसके माध्यम से एक संतुलन बना रहता है। तो प्रमुख प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में स्थलीय, वन, घास के मैदान, यानी कि स्थलीय जो होते हैं जीव होते हैं जिनके वन होते हैं, घास के मैदान होते हैं, और जलीय यानी कि जैसे समुद्र और झील, और मानव निर्मित जैसे कि खेत, शहर, ये सारी की सारी चीजें पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होती हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना कैसे होती है? पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना जटिल और बहुआयामी होती है। जटिल मतलब कॉम्प्लिकेटेड, और बहुआयामी का मतलब मल्टी डायमेंशनल, जिसमें विभिन्न जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। जैविक घटक भी होते हैं और साथ में अजैविक घटक भी होते हैं। बेटा जैविक घटक किन्हें कहते हैं, अजैविक घटक किन्हें कहते हैं, वो अभी मैंने आपको पिछले लेसन में बता दिया था, और अभी भी शुरुआत जो हमने की है उसमें इसी से की है बेटे। तो जैविक घटक क्या क्या होते हैं? एक तो होते हैं जैविक घटक को पहले हम पढ़ेंगे, इनको भी कई कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहले हम जान लेते हैं जैविक और अजैविक घटक दोनों के दोनों हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होते हैं। जैविक घटक जो होते हैं उनमें भी कई कैटेगरीज बन जाती है। जैसे होते हैं प्रोड्यूसर्स, ये वो जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूरज के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में यानी कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हरे पौधे और शैवाल जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स कहा जाता है इनको, क्योंकि ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं होते हैं। प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, आपने पढ़ा होगा बेटा कहीं ना कहीं पहले जरूर, कि कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और साथ में सन की धूप की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से ये लोग अपना खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस करके, तो इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। दूसरे होते हैं उपभोक्ता, ये जीव वो होते हैं जो पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे इंसान हुआ, बहुत से जानवर हुए जो कि पौधों पर निर्भर होते हैं, जो कि उत्पादक होते हैं। उत्पादक पर निर्भर रहने वाले उपभोक्ता कहलाते हैं, जो कि उनको खा करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हम सबको जिंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमारे भोजन से मिलती है। तो हम जो इंसान हैं हम पौधों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए अपने, तो हम लोग उत्पादक कहलाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे शाकाहारी जीव होते हैं जैसे गाय होती हैं, हिरण होती हैं, वो सभी प्रथम उपभोक्ता कहलाते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट प्लांट्स पर जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि उत्पादक हैं, उन पर निर्भर हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता वो होते हैं जो कि मांस खाते हैं, उनको खाते हैं जो उपभोक्ता को खा रहे होते हैं, कि जो पौधों को खा करके जो जीव खड़े बड़े होते हैं उनको खाने वाले जो होते हैं, यानी कि मांस खाने वाले जो होते हैं उन्हें द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता कहलाते हैं।
और तीसरी श्रेणी के उपभोक्ता वो होते हैं जो कि पौधों का मांस खाने वाले जो मांसाहारी जानवर होते हैं, पौधों को खाने वाले जानवरों को खाते हैं, और फिर वो जो मांसाहारी जानवर होते हैं तो मांसाहारी जानवरों को खाते हैं। मतलब अगली श्रेणी जो हो गई तो मांसाहारी जानवरों को खाते हैं वो हो जाते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, यानी कि प्लांट को खाने प्लांट जो है वो आपके उत्पादक, प्लांट को खाने वाले उपभोक्ता पहली श्रेणी के, फिर जो प्लांट को खाने वाले जो उत्पादक उपभोक्ता है पहली श्रेणी में जो कि शाकाहारी जीव जो थे उनको खाने वाले द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता जो कि उन मांसाहारियों को खाते हैं, उसके बाद तृतीय श्रेणी जो मांसाहारी को खाने वाले मांसाहारियों को खाते हैं। तो ये आपकी फूड चेन चलती है। अगले होते हैं अपघटक यानी कि डीकम्पोजर्स, ये जो जीव मर जाते हैं उनका जो वेस्ट बच जाता है, जो मर जाते हैं उनके शरीर से मांस बच जाता है, हड्डियां बच जाती हैं, उनको खा करके अपना गुजारा करते हैं, उनको हम लोग अपघटक कहते हैं, डीकम्पोजर्स कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया होता है, कवक होता है, ये अपघटक होते हैं, मरे हुए जीवों को ये खा करके जिंदा रहते हैं। तो इसके बाद होते हैं अजैविक घटक, ये तो हो गए हमारे उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तो हो गए हमारे जैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक को तीन कैटेगरीज में बांटा गया, पहले हो गए उत्पादक यानी कि प्लांट्स, दूसरे हो गए उपभोक्ता जो कि उनको प्लांट को खाते हैं, उनकी तीन श्रेणियां बन गई। पहली श्रेणी के उपभोक्ता हो गए जो डायरेक्ट प्लांट को खा रहे हैं जैसे गाय हिरण हो गया, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता जो कि इन गाय हिरण को खा रहे हैं जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया, और तृतीय श्रेणी के हो गए जो कि इनको शेर और बाघ को भी खा रहे हैं जैसे कि बाज और मानव हो गए, ये तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में आ जाते हैं। अगले हैं अपघटक जो कि मरे हुए जीवों को खा करके जिंदा रहते हैं यानी कि डीकम्पोजर्स, ये भी जैविक घटक होते हैं। अब बात करेंगे अजैविक घटक की जो कि होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, जैसे भौतिक घटक जो कि हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में होते हैं जैसे कि जलवायु है, तापमान है, प्रकाश है, नमी है, वायु है, ये सब के सब भौतिक घटक होते हैं। अगले होते हैं रासायनिक घटक जैसे कि मिट्टी के पोषक तत्व, पानी की रासायनिक संरचना, वायुमंडलीय गैसें, ये सब के सब रासायनिक केमिकल सारे के सारे मिलकर के केमिकल कंपोनेंट्स या फिर रासायनिक घटक कहलाते हैं। आगे बात आती है पारिस्थितिकी तंत्र की प्रक्रियाओं की, तो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या प्रक्रियाएं होती है। पहली होती है ऊर्जा प्रवाह होता है यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी, तो सूरज से जो ऊर्जा मिलती है उसे उत्पादक यानी कि पौधे डायरेक्ट लेते हैं और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से विभिन्न उपभोक्ताओं तक वो पहुँचती है। खाद्य श्रृंखला में यानी कि प्लांट ने एनर्जी बनाई, उसको गाय ने खा लिया, गाय को जब शेर ने खाया तो शेर के अंदर वो एनर्जी पहुंच गई। तो इस तरीके से एक दिशा में प्रवाहित होती है, वापस से कहीं नहीं जाती, एक डायरेक्शन में जाती है सारी की सारी एनर्जी और अंततः ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में नष्ट हो जाती है। आखिर में जब वो सबको खाने वाला जीव जब मर जाता है तो उसकी बॉडी से ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में पर्यावरण में वापस चली जाती है। दूसरा होता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग यानी कि पोषक चक्रण, इसमें क्या होता है पोषक तत्व तो एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में, एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते रहते हैं। इसमें विभिन्न तत्व जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये जीवों में और पर्यावरण के बीच में लगातार एक्सचेंज होते रहते हैं। तो इसे कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। तो पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार का होता है, एक तो होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि जैसे कि हम लोग जमीन पर जो रहने वाले होते हैं वो सबके सब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, जैसे कि जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल, जो जमीन पर रहने वाले जीव है सारे के सारे हम सब मिलकर के टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाते हैं। अगला होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे महासागर, झीलें, नदियाँ, ये सबके सब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। अगले होते हैं मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे कि खेत हो गए, जमीन हो गई, शहर हो गए, हमने गांव बसा लिए, ये सारे के सारे मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं, इनको एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में विभिन्न घटकों और प्रक्रियाओं का समन्वय एक संतुलित और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करता है, यानी कि इसमें बहुत सारे घटक होते हैं जिनकी आपस में क्रियाएं होती हैं, उनकी वजह से ये पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। अगला है जैविक घटक, तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक जीवित प्राणियों से जुड़े हुए होते हैं जो कि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न भूमिकाओं को निभाते हैं। इनमें तीन कैटेगरीज होती है, पहले होते हैं उत्पादक, दूसरे होते हैं उपभोक्ता, तीसरे होते हैं अपघटक, ये हमने पढ़ लिए थे बेटा, बैक्टीरिया है ना। इनके अलावा अन्य जैविक घटक होते हैं परजीवी, जैसे कि जू और टेपवर्म वगैरह होते हैं, परागकण जैसे कि पॉलिनेटर जो कि जीव पौधों से प्रजनन में मदद करते हैं, मधुमक्खियां, तितलियां है ना, इनमें मदद करते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक एक दूसरे के साथ जटिल अंतःक्रियाओं में इन्वॉल्व होते हैं जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन और स्थिरता बनी रहती है। अगले हो गए अजैविक घटक हमने पढ़ लिए, भौतिक घटक, ऊर्जा घटक, अबायोटिक घटक, इनको हम एक बार थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। तो अजैविक घटक जो होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र के वो घटक होते हैं जो जीवित प्राणियों से जुड़े हुए नहीं होते हैं, यानी कि उनके अंदर प्राण नहीं होते हैं। फिजिकल घटक क्या क्या होंगे, वातावरण से जुड़े हुए जैसे कि जलवायु, तापमान, प्रकाश,
ध्वनि, जल, मिट्टी, ये सारे के सारे जो घटक होते हैं जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन ये खुद जीवित नहीं होते हैं। इसमें पर्यावरण में उपस्थित रासायनिक तत्व भी शामिल होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, पोषक तत्व तो जैसे कि नाइट्रेट, पोटेशियम वगैरह, ये सारे के सारे केमिकल कंपोनेंट कहलाते हैं, रासायनिक घटक कहलाते हैं। तो भौतिक घटक दो तो हो गए और रासायनिक घटक हो गए सारे के सारे अजैविक घटक। इनमें ये तत्व जो होते हैं जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं और पोषण के स्रोत के रूप में काम करते हैं। एनर्जी सोर्सेज यानी कि ऊर्जा के स्रोत, ये घटक ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करते हैं, जैसे कि सूरज की किरणें हमारे लिए ऊर्जा के रूप में भूमिका निभाती हैं, ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करती हैं। और सूरज की किरणें जो होती हैं वो हमारे लिए सभी जीवों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी भी होती हैं। अगला है अबायोटिक प्रक्रियाएँ, बहुत से प्रोसेस होते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं और संगठित नुकसान भी पहुंचाती है, फायदा भी पहुंचाती है। बाढ़ हो गई, भूकंप हो गया, भूमंडल के प्रभाव हो गए, यहाँ पे वायुमंडल के प्रभाव हो गए, ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती हैं। तो अजैविक घटक जो होते हैं इनका संयोजन पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्यों को समझने में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये घटक जो होते हैं जीवन के जीवों के जीने के लिए और पारिस्थितिकी संतुलन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में। तो पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं इनको। ये वो टेक्निक होती है जिससे कि हम जीव समुदाय की संरचना को समझने में हमें मदद मिलती है कि इनमें ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है, उत्पादन कैसे होता है, उपभोक्ता की संख्या कैसी होती है। तो ये पिरामिड तीन तरह के होते हैं, इनको हम तीनों को बेटा एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहला होता है प्रामाणिक पिरामिड यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर्स। ये पिरामिड जीव समुदाय के सदस्यों की संख्या को दर्शाता है। ये पिरामिड ऊपर की ओर चोटी की तरफ तीव्र और नीचे की तरफ धीमा होता है, जैसे कि एक पेड़ पर फलों की संख्या, फिर उसके फलों को खाने वाले पक्षियों की संख्या, फिर उन पक्षियों को खाने वाले पक्षियों की संख्या, और उसके बाद इस पिरामिड में इस तरीके से दिखाई देगी। सबसे पहले आपको पेड़ दिखाई देगा, पेड़ में फलों की संख्या दिखेगी, उसके ऊपर आपको फलों की संख्या, फलों को खाने वाले पक्षियों की संख्या दिखेगी, उनके ऊपर फिर आपको उन पक्षियों को खाने वाले पक्षियों की संख्या दिखेगी, तो ऊपर ऊपर कम होता चला जाता है। अगला होता है पिरामिड ऑफ बायोमास। यह पिरामिड जीव समुदाय की जीवांत मात्रा यानी कि जैव जीवित वस्तु को दर्शाती है। यह पिरामिड में ऊपर की ओर चोटी की तरफ तीव्रता और नीचे की ओर धीमी। पिरामिड ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी दिखाता है। तो यह पिरामिड जीव समुदाय में ऊर्जा के दर को दर्शाता है। तो सबसे ऊपर जो होता है ये ऊपर सबसे ज्यादा होता है, नीचे ऊर्जा कम होती चली जाती है। जैसे जैसे हम अगले जो जिसने पौधों को खाया उसको 10% एनर्जी मिली, जिसने पौधों को खाने वाले को खाया उसको आगे उसकी 10% एनर्जी मिली, तो ऐसे पिरामिड ऑफ एनर्जी बनता है बेटे। तो ये पिरामिड उपभोक्ता प्रोड्यूसर इंटरेक्शन, जीवित प्राणियों की संख्या और उत्पादन और ऊर्जा फ्लो को समझने में मदद करती है। ये एक महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं पारिस्थितिकी संतुलन और जीव समुदाय के अध्ययन के लिए। देखिए बेटे पिरामिड ऑफ नंबर्स को हम समझ सकते हैं, एक पेड़ है उसके ऊपर बहुत सारे पक्षी हैं, वो कुछ खाने के लिए आ रहे हैं, उनके ऊपर वो पक्षी है चील है जो कि इनको खा रही है, ये हो गया स्पिंडल शेप्ड। अगला होता है इन्वर्टेड पिरामिड, जैसे कि प्रोड्यूसर है पौधा है आपका, उसको खाने वाले बहुत सारे पक्षी आ गए, पक्षियों के ऊपर पैरासाइट है कि उनके ऊपर जो परपक्षी कहते हैं जिनको, उनके ऊपर रहने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, और उसके ऊपर ये देख लीजिए जो कि हाइपर पैरासाइट होते हैं जो कि इनको भी, इन पैरासाइट को भी खाने वाले होते हैं। तो संख्याओं के सीधे पिरामिड कहलाते हैं ये, ठीक है, सॉरी उल्टे पिरामिड कहलाते हैं, होते उल्टे पिरामिड, ट्रायंगल उल्टा था। अगले होते हैं सीधे पिरामिड। तो देखिए बेटा सीधे पिरामिड में क्या है, बहुत सारी मछलियां हैं, उनको खाने वाली बड़ी मछलियां हैं तो थोड़ी रह जाती हैं, उसके बाद उनको खाने वाली मछलियां और भी थोड़ी होती हैं, उनको खाने वाला अकेला रह जाता है, ये हो गया उल्टा सीधा पिरामिड। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे आपके प्रोड्यूसर्स हैं, पौधे हैं, उनको खाने वाले लोग उनसे थोड़े से कम हो गए, उनको खाने वाले और कम हो गए, उनसे खाने वाले और कम हो गए, उनको खाने वाले एक टॉप कार्निवोर जो हो गया वो एक अकेला रह गया, तो ये हो गया आपके सीधे पिरामिड। तो बेटा ये पिरामिड जो होते हैं उल्टे और सीधे पिरामिड होते हैं, इस तरीके से बनते हैं बेटा। आगे हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी वंशक्रम यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ये प्रक्रिया होती है जिसमें किसी क्षेत्र में जीवन की पुनर्निर्माणात्मक प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया उस स्थान पर जीव के विभिन्न समुदायों की यातायात को वर्णित करती है जिससे उस स्थान की प्राकृतिक संरचना और संगठन की प्रकृति में परिवर्तन होते हैं। यानी प्रारंभिक वंशक्रम, ये वंशक्रम होता है ऐसी जगह पर जहाँ पहले कभी भी जीवन नहीं था, पहले कभी जीवन नहीं था, अब जीवन शुरू हुआ है, तो इसे कहते हैं प्रारंभिक वंशक्रम, यानी कि पहली बार जीवन शुरू हुआ है, अब से पहले जीवन यहाँ पर नहीं था।
दूसरा होता है सेकेंडरी वंश क्रम, यानी कि यहाँ पर पहले भी जीवन क्रम था लेकिन फिर किसी कारण से यहाँ पर जीव समुदाय खत्म हो गया था या बहुत कम हो गया था, उसके बाद दोबारा से शुरू हुआ है। जैसे किसी जंगली जमीन पर वनस्पति काट दी या बाढ़ के बाद जब शुरू होता है उसे कहते हैं सेकेंडरी वंश क्रम। तो वंश क्रम के चरण क्या क्या होते हैं? पायनियर या विद्युतीपाती चरण कहते हैं। इस चरण में जल्दी बदलाव होता है और वो पौधे जो ज्यादातर अवसाद को सह सकते हैं उगते हैं, यानी कि जो परेशानियों को सह सकते हो वो पायनियर या विद्युतीपाती चरण में उगते हैं। दूसरे होते हैं जीवाणुवादी। इस चरण में मृदा में मैदान की तुलना में जीवों का प्रादुर्भाव होता है जो कि वनस्पतियों द्वारा उत्पन्न किया था। वनस्पति जो होते हैं उनसे उत्पन्न होते हैं उनको कहते हैं सिरल स्टेज कहते हैं। अगले होते हैं समुदायकारी चरण, क्लाइमेक कम्युनिटी। इसमें एक स्थायी वनस्पति समुदाय बन जाता है जिसमें वनस्पतियों की विविधता और संख्या स्थिर होती है, एक लंबे टाइम तक बनी रहने की बात होता ही है। तो वंश क्रम प्रक्रिया जो होती है प्राकृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है और पारिस्थितिकी समुदायों की संरचना और संगठन में उत्तरदायी होती है। तो ये था आपका बेटा दूसरा पाठ पर्यावरण विज्ञान का, जिसका नाम था पारिस्थितिकी तंत्र। पहला पाठ हमने पढ़ा था पर्यावरण क्या है, दूसरा पाठ हमने पढ़ा पारिस्थितिकी तंत्र की जो है क्या क्या अवधारणा और संरचना। तो ये आपका पाठ यहीं पर कंप्लीट हो गया है बेटे, तो अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।